यूक्रेन में जंग जारी है तो इधर इसराइल में भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों ने 3 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक टीनेजर है, बाकी 2 वकील हैं। टेल अवीव में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। उसी के बाद से इजरायली सैनिकों ने ये ऑपरेशन किया था जिसमें 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों के मुताबिक बेतलहम में उन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने ये कार्रवाई की है। सैनिकों की कार्रवाई के बाद वहां बवाल मच गया है। तस्वीरें सामने आई जिसमें फिलिस्तीनी लोग इजरायली सैनिकों पर पथराव कर रहे हैं। वेस्ट बैंक इलाके में भारी तनाव जैसी स्थिति है। इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनियों ने पथराव किया है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में ये फिलिस्तीनी बख्तरबंद टैंक्स और पुलिस की गाड़ियों पर लगातार पथराव कर रहे हैं। सेना की गाड़ियों पर भी हमला किया गया इन सैनिकों पर, फिलिस्तीनियों का ये पथराव, जिसकी वजह से स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी।